हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में मैं बहुत सुंदर बॉर्डर वाले डिज़ाइन बता रही हूँ, जिसे हम ऑल ओवर स्वेटर में भी डाल सकते हैं या केवल दो कलर से भी इस डिज़ाइन को हम बना सकते हैं। बेल के रूप में नीचे आंख पे और स्कर्ट बॉर्डर, तो कहीं भी इसे हम अप्लाई कर सकते हैं। और इसे मैंने 5 से 6 साल तक के बेटी के लिए बनाया है, और आइए इसे हम बनाना देखते हैं। यहाँ पे मैंने 5 to 6 ईयर्स बॉय के लिए स्वेटर बना रही हूँ, और इसे मैंने जो है 85 फंदे डाले हैं। और यहाँ पे उसके बाद जो है एक सीधा एक उल्टा का हमने बॉर्डर बना लिया। बॉर्डर बनाने के बाद मैंने ग्रे कलर से एक सीधा पूरी सिलाई सीधी, एक सिलाई उल्टी बनाई है। उसके बाद एक फंदा ब्लू, एक फंदा ग्रे बनाया है, और उल्टी तरफ से ब्लू के ऊपर ग्रे, ग्रे के ऊपर ब्लू। इस तरह से हमारा ये डॉट डॉट बन गया है। फिर उसके बाद ग्रे कलर से एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी बनाए, और इसके बाद मैं नेक्स्ट डिज़ाइन बनाना शुरू करूँगी। यहाँ पे मैंने 5 to 6 ईयर्स बॉय के लिए स्वेटर बना रही हूँ, और इसे मैंने जो है 85 फंदे डाले हैं। और यहाँ पे उसके बाद जो है एक सीधा एक उल्टा का हमने बॉर्डर बना लिया। बॉर्डर बनाने के बाद मैंने ग्रे कलर से एक सीधा पूरी सिलाई सीधी, एक सिलाई उल्टी बनाई है। उसके बाद एक फंदा ब्लू, एक फंदा ग्रे बनाया है, और उल्टी तरफ से ब्लू के ऊपर ग्रे, ग्रे के ऊपर ब्लू। इस तरह से हमारा ये डॉट डॉट बन गया है। फिर उसके बाद ग्रे कलर से एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी बनाए, और इसके बाद मैं नेक्स्ट डिज़ाइन बनाना शुरू करूंगी। सीधी तरफ से पूरा हम ग्रीन बिनेंगे। यहाँ पे बॉर्डर वाला पैटर्न बनाने के लिए पहला फंदा हम ग्रीन बिन लेंगे, फिर एक फंदा मैरून बनाएंगे, फिर उसके बाद हमारे 4 फंदे ग्रीन बनेंगे। 1, 2, 3, 4। फिर एक मैरून बनेगा, फिर 4 फंदे अगले हमारे ग्रीन बनेंगे, थ्री फोर फोर। इस तरह से 4+1 के मल्टीपल्स हमारे इसमें ये फंदे बनते चले जाएंगे। और इस तरह से 4 ग्रीन एक मैरून, 4 ग्रीन एक मैरून पूरी सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 1 मैरून, 4 ग्रीन बनाया है। इस तरह से पूरी सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद उल्टी साइड में हम रो नंबर 2 पे आते हैं। सेकंड रो में हमारा जो ब्लास्ट का मैरून है उसके ऊपर एक ग्रीन बनेगा, फिर एक मैरून बनेगा, फिर 2 ग्रीन बनेंगे हमारे, 1 और 2। फिर उसके बाद यहाँ पे एक मैरून आ गया, मैरून के दोनों साइड मैरून एक एक बढ़ जाएगा। इस तरह से 3 मैरून बनेंगे हमारे, 1, 2 और ये 3। फिर हमारा 2 ग्रीन बनेगा, फिर एक मैरून, एक ग्रीन और एक मैरून। फिर यही हमारा पैटर्न चलेगा। फिर 2 ग्रीन बना, 2 ग्रीन के बाद हमारे 3 मैरून बन जाएंगे, 1, 2 और 3। फिर हमारा 1, 2 मैरून बना, फिर 1 ग्रीन, 1 मैरून, बीच का 1 ग्रीन और फिर एक मैरून। इस तरह से ये देखिए हमारा पहला जो बना, एक मैरून एक ग्रीन। फिर उसके बाद जो है 2 हमारे ग्रीन बने हैं,
बीच के तीन मैरून बनने के बाद यहाँ पे हमारा जो था दो ग्रीन एक मैरून एक ग्रीन एक मैरून, तो इस तरह से ये तीन के बीच में ये पैटर्न हमारा बनेगा। फिर उसके बाद उसी तरह से यहाँ पे हमारा तीन मैरून दो ग्रीन एक मैरून और एक ग्रीन फिर एक मैरून। अब उसके बाद फिर हमारा उसी तरह से बन जाएगा 1 2। इस तरह से एक मैरून एक ग्रीन एक आया, फिर एक मैरून के ऊपर एक बार तीन बनेगा और एक बार एक ग्रीन बीच में आ जाएगा। इस तरह से करके हम पूरी सिलाई कंप्लीट करते हैं। अब हम रो नंबर 3 पे आते हैं सीधे साइड तरफ से। रो नंबर 3 में हमारे यहाँ पे तीन मैरून था, अब यहाँ पे हमारा एक मैरून केवल बनेगा। उसके अगल बगल हमारा ग्रीन बन जाएगा, बीच का फंदा जो एक मैरून बनेगा, फिर उसके बाद हमारे दो ग्रीन बन जाएंगे और फिर एक मैरून बनेगा, एक मैरून बनेगा, फिर उसके बाद बीच में हमारे 1 2 और ये 3, 3 ग्रीन बन गए। फिर हमारा जो है एक मैरून बनेगा, फिर हमारा उसके बाद जो है दो ग्रीन बन गया। अब ये देखिए बीच का तीन ग्रीन वाला था मैरून वाला था, इसके ऊपर हमारा एक मैरून बन गया, उसके बाद दो ग्रीन, फिर हमारा एक मैरून, अब यहाँ पे एक ग्रीन था तो यहाँ पे हमारा तीन ग्रीन बन जाएगा 1 2 3 और फिर उसके बाद एक मैरून। इस तरह से ये पैटर्न हमारा बनेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा तीन मैरून था तो ये हमारा बीच का एक मैरून हो गया, दो ग्रीन, फिर एक ग्रीन वाला था इसके ऊपर हमारा तीन ग्रीन बन गया। इस तरह से ये पूरी सिलाई हमारी बन जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए फिर ये आ गया तीन मैरून वाला आ गया, उसके पहले दो ग्रीन बनेगा, बीच का एक मैरून। इसी पैटर्न पे हमारा पूरा सिलाई कंप्लीट होगा। यहाँ पे देख लीजिए एक बार और 1 2 ग्रीन एक मैरून, फिर टू ग्रीन, फिर एक मैरून, फिर यहाँ पे एक ग्रीन वाला आया था इसके ऊपर हमारा तीन ग्रीन बन जाएगा 1 2 3, फिर एक मैरून बन गया, फिर यहाँ तीन ग्रीन के पहले दो ग्रीन बन जाएगा, तीन मैरून के पहले, फिर बीच का एक मैरून, फिर दो ग्रीन एक मैरून, फिर एक ग्रीन वाला आ गया, अब इसके ऊपर हमारा तीन बन जाएगा 1 2 3। इसी तरह से हमारी पूरी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए अब बीच में एक मैरून बनेगा, अगल बगल दो ग्रीन, यहाँ पे एक ग्रीन है तो इसके बीच में तीन ग्रीन बन जाएंगे। अब हम रो नंबर 4 पे आ गए, तब यहाँ पे हमारा जो एक मैरून है इसके ऊपर हमारा तीन ग्रीन बन जाएगा। और अब इस तरह से हमारा 1 2 3 ग्रीन बन गया, एक मैरून, फिर 3 ग्रीन, 1 2 3 ग्रीन बन गया, फिर एक मैरून बन जाएगा, अब यहाँ पे हमारा दो ग्रीन बनेगा और तीन ग्रीन था उसके ऊपर बीच में हमारा एक मैरून बन जाएगा, फिर उसके बगल में हमारे दो ग्रीन बन जाएंगे,
फिर एक मैरून बन जाएगा। फिर हमारा यहाँ पे देखिए एक मैरून वाला आ गया, अब इसके ऊपर तीन ग्रीन बन जाएगा, 1, 2 और 3। फिर हमारा देखिए एक मैरून आ गया, इस मैरून के ऊपर हमारा तीन ग्रीन बन गया। अब यहाँ पे फिर एक मैरून हो गया, 2 ग्रीन, फिर एक मैरून, फिर 3 ग्रीन, ठीक है। इसी तरह से ये पूरी सिलाई हमारी कंप्लीट होगी। अब हम रो नंबर 5 पे आते हैं। रो नंबर 5 में जहाँ पे हमारा 3 के ऊपर एक बना था, वहाँ एक हमारा ग्रीन बन जाएगा, 1 मैरून 2 ग्रीन। अब यहाँ पे ये जो बीच वाला हमारा एक मैरून बना था, यहाँ पे हमारा 3 मैरून बन जाएंगे, 1, 2, 3। इस तरह से यहाँ पे 3 मैरून बन गया। अब दो एक ग्रीन और 1, 2, 2 ग्रीन बन गया और एक यहाँ पे मैरून बन गया। फिर हमारा बीच का एक 1 ग्रीन और 1 मैरून, ये हमारा एक पैटर्न पूरा हो गया। अब अगला आ गया यहाँ पे हमारा 1 ग्रीन और 2 ग्रीन आ गया, और ये बीच का एक मैरून जो है वहाँ पे 1, 2, 3 मैरून बन जाएगा, 1, 2, 3। फिर उसके बाद हमारा 1 ग्रीन हो गया और 2 ग्रीन। इस तरह से मेरी रो नंबर 5 कंप्लीट होती है। अब रो नंबर 6 में आ जाएंगे। तो रो नंबर 6 में यहाँ पे यहाँ 3 रेड था, वहाँ पे एक रेड रह जाएगा, बाकी अगल बगल के ग्रीन बन जाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो है 4, 1, 2, 3, 4 ग्रीन बन जाएगा, 1 मैरून हो जाएगा, फिर 1, 2, 3, 4 ग्रीन बन जाएगा, 1 मैरून, जैसा कि हमारा फर्स्ट रो बना था वही रिपीट होगा पैटर्न। यहाँ पे देखिए एक मैरून और 4 ग्रीन बन गया। फिर बीच का हमारा ये आ गया 3 वाले में का, तो यहाँ पे हमारा एक मैरून बन जाएगा, फिर हमारे 4 ग्रीन बन जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 4 ग्रीन, फिर एक मैरून, 1, 2, 3, 4 ग्रीन हो गया ये 3 वाले के ऊपर, फिर मेरा एक मैरून आ गया। तो इस तरह से 4 ग्रीन 1 मैरून करके बनाएंगे और ये बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो जाएगा डिज़ाइन। ग्रीन बन रहा, 1 मैरून बन रहा, इसी पैटर्न पे पूरी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो है नेक्स्ट रो हम पूरी ग्रीन कलर से बीन लेंगे, सीधी सीधी, और उल्टे साइड से भी हमारा पूरा ग्रीन बन जाएगा।